जब देखो तो पीछे पीछे, जब देखो तो पीछे पीछे। बाबूजी, बाबूजी, मत मारिए, छोड़िए उसे। चल निकल, बाहर जा, जा स्कूल, जा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जिसके पैसे दिए बिना मास्टर स्कूल में नहीं लेगा। कह रही ना, बाहर जाए ऐसे, चल जा, जा ऐसे, चल भाग, जा ऐसे। चल निकल, रुको। अगर फिर से बच्चे के सामने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो हाथ काटकर चूल्हे में फेंक दूंगी। अगर मुझे मारना है या पीटना है ना, तो अकेले में कर, बच्चे के सामने नहीं, समझा? तेरी तो नदी पे क्या कर रही थी तू? सुन ले, मानिक मेरी है, तुझे जो कुछ भी करना है ना, जाकर। एक दिन जब तुम्हें लूट कर थूक देगी ना, तब मेरे पास ही आओगे तुम। सबके घर बार को लूटने पर तुली है वो, हाथ में खाने लगी है वो रांड। सुनो सुनो, अरे क्यों उसकी वजह से हमारा घर बर्बाद कर रहे हो? सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। सुनो ना, चल, मेरी चूड़िया मत लीजिए। सुनिए ना, मैं नहीं दूंगी मेरी चूड़िया मत ले जो। सुनो, मेरी चूड़िया वापस दे दो, वो बेटे की फीस के लिए बचाई है मैंने, मेरी चूड़िया। अरे सुनो, चूड़िया मत ले जाओ। सुनो, अब मैं क्या करूंगी? सुनो, मालिक, बड़ी मेहरबानी होगी मालिक, थोड़े पैसे जल्दी मिलेंगे क्या? बच्चे की फीस के लिए चाहिए थे, उसको स्कूल में नहीं रखेंगे। अभी थोड़े दे देना, बाकी अगली पगार से काट लेना सब। बच्चे का बाप किधर गया? पैसा चाहिए तो उससे ले लो, अभी आया था वो पागल, तेरी पूरी तनख्वाह एडवांस में ले गया। समझो, मैंने तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में दिए तो तुम मुझे क्या दोगी? चलती हूँ मासी। हाँ हाँ, चल। पहलवान, ए पहलवान, ये कौन है? अरे अंदर क्या छुपा है? पहलवान बाहर आ। ए क्या है? नीचे आ, नीचे। अरे ओ हरामी, तुझ पे लाज शर्म नहीं है क्या? बेच कर कहाँ गई है? गांव के सब आदमियों को अपने जंगल में फंसा रही है साली। चल चुड़िया दे मेरी। ऊपर से क्या देख रही है बेशरम साली? ज्यादा हंसेगी ना तो मार दूंगी तुझे। पहलवान, ए क्या है? तेरी माँ की। मुझे मेरे पैसे वापस दे, मेरे जेवर वापस दे, मेरी चूड़ियां वापस दे। मुझे बच्चे की फीस भरनी है, 4 महीनों से एक ही कपड़ा पहनकर घूम रहा है वो, नए कपड़े लेने हैं उसके लिए। इस चम्मक चले पर मेरे जेवर मत लुटा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अगर नहीं दिया ना तो ऐसा हल्ला मचाऊंगी ना, तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? क्या मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अभी के अभी चाहिए। साली।
ए बेटा रोना बंद कर, आ गई ना तुम यहाँ पर, हाँ मौसी है तेरे पीछे, रोना बंद कर चल। सलीम आया। ए सलीम, मेरा लाने गांव से आया है ना, तो उसको घुमा के ले आ, मैं तुझे पेप्सी दूंगी। ए लानिया ए चुप हो जा, रोना बंद कर, बोला ना तुझे, मर गया वो आदमी तेरे लिए ऐसा समझ ले, पहले सिंदूर मिटा उसके नाम का। लानिया जा, वो सलीम तुझे समंदर दिखाएगा, पहले देखा है तूने समंदर? अरे बहुत बड़ा मस्त समंदर है। जा देख के आ जा, चल चल उठ। मैं चल, तेरे चल। को पैसा बाद में देती है, ठंडा ठंडा पेप्सी कोला था। चलेगा क्या? चल चल। ए क्या रो रही है उस निकम्मे पहलवान के लिए, कीड़े पड़ के मर जाएगा वो और उसकी रांड। चल मेरा सीरियल लगाती हूँ मैं। रोना बंद कर बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, रोना नहीं। ए चुप बैठना अभी, रोना बंद कर अभी, क्यों रो रही है? एक दुखी रख के अभी रोई तो टीवी देख चुपचाप। मैं खाना बनाती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। मटन बनाना आता है तुझे? मैं बनाती हूँ। हाँ मैं बनाती हूँ। ठीक है बना। बघू पण लेले इतक्या सहजपणे होऊ देणार नाही का? लेल्यांचा सोड का, त्याने काही का केलं ना तरी तुला प्रमोशन मिळणार नक्की। बर बाबा ते मिळेल त्या दिवशी तुला। मौसाजी अरे हमना तुम का वाय बाजू शरद कधी येणार आहे परत? मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। हाँ कारण सेमिनार लंच ब्रो संपायच होता आणि मग नाशिकहून पुढे 5 7 5 परत तो आला त्याला फोन करा। ओके अनुष्का तू अक्का मुझे काम चाहिए। अक्के ए चुप सोने दे। मुंबई में जीना इतना आसान नहीं है, चुपचाप रह इधर, काम का धीरे धीरे देख लेंगे। मैं बोझ नहीं बनना चाहती अक्का, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, तो सिर्फ काम ढूंढ के दे मुझे अक्का। अब बर्तन घिसूंगी, कपड़ा धोऊंगी, बीड़ी बनाऊंगी, सिलाई का काम भी चलेगा अक्का। अक्का तू क्या काम करती है? ए सोने देना, तू भी सो जा। जब से आई है तब से सवाल पे सवाल पूछ रही है, मार क्यों रही है? अक्का अक्का की रट लगाइए। तो क्या काम करती है बताना, उसमें छिपाना क्या है? नाचती है क्या पिक्चर में हीरोइन के पीछे? माँ यहाँ ना स्कूल ही नहीं है, सलीम ने बोला मदरसे के स्कूल में चल। चलेगा मदरसे के स्कूल में सीखने के लिए जा। हाँ चल सोचा अभी चुपचाप। वैसे भी 4-5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है कदा। आदि मना गे हाथी आदि मना गे हाथी अरे पैसे तो दो। किस लिए? अरे संडास का कल देखिए, पैसा नहीं है और आती है फोकट हगने। अरे परसों तो गया था कि नहीं? परसों गया था मैं वहाँ पे। काम हुआ? सब कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं लेडीज के लिए कोई काम है नहीं यहाँ। चल रही है क्या भाई? हाँ चल रही है। हाँ दो दे दे। हाँ ठीक है। क्या
अरे रुक रहे, उधर से जाओ, उधर से भाई। अरे चल रहे, मजा करते आ जा। अरे मार रे मार। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। मेम साहब कुछ काम मिलेगा क्या? अरे आगे जाओ, कोई काम नहीं है यहाँ। हिमा चल, चलता हूँ मैं हूँ ना, चल। भैया कुछ काम है क्या? नहीं है। रमुना चल, चलती हूँ मैं। दीदी अक्का कहाँ काम करती है? वो जहाँ पे वो पेंटिंग सिखाने वाला कॉलेज है ना, अच्छा अंग्रेजी में क्या नाम है मुझे याद नहीं, वहीं पे सफाई का काम करती है। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे यमुना चाय के साथ पाव तो दो। यमुना क्या खाना हुआ क्या? हाँ हो गया मौसी। क्या रे कहाँ रास्ते में खड़ा किया है साइकिल? साइड में लगाना साला। सब खैरियत रखना देवा। नमस्कार मिश्रा। हाँ राम राम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ आ रहा हूँ कैंटीन से, जल्दी आओ। चलता हूँ। नमस्कार अक्का। नमस्कार। क्या रे तीसरा साल है ना? हाँ अक्का। बढ़िया तस्वीर निकालने का। हाँ क्या <हा?
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या रे मुंबई में सीखने का यही फायदा है दोस्त, दूसरे कौन से शहर में ऐसी मॉडल्स मिलेंगी ही नहीं, इसीलिए तो थर्ड ईयर में आने की राह देख रहा था। शर्म नहीं आती देखो, लाज शर्म बेचकर खा गई हो क्या? हाँ? ये क्या बोलती है तू? एक दो के रखे उनकी मिल की नौकरी गई, तब कचरे से पाव रोटी सड़े टमाटर भी उठा के खाए हमने। कई महीने यहां वहां काम ढूंढा, सबके हाथ पैर पड़ी। पर सबकी नजर मेरे जिस्म पर। इस दुनिया में गरीब औरत कपड़ा पहन के भी सबको नंगी ही नजर आती है। फिर मुझ पर दया खाकर बस्ती में से एक औरत ने मुझे ये काम दिलाया। वहां हम खुद हमारे कपड़े उतारते हैं, पर देखने वाले हमारा नंगापन नहीं देखते। उन्हें हमारे नंगे जिस्म से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी नजर में हवस नहीं होती, पढ़ाई होती है। अरे शिक्षा का काम है ये, तो उसमें कौन सी शर्म वाली बात है? पैसे अच्छे मिलते हैं क्या? फिर कितने?
दिन के 300 रुपए। घर में उन्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं ही छुपा छुपा कर पैसे जमा करती हूं, पर क्या काम करती हूं किसी को नहीं पता लगने दिया। झाड़ू पोछा सिर्फ दिखाने के लिए। घर चल रहा है ना, वो इन्हीं पैसों से। तुझे कितने साल हुए करके? 15-20 साल हुए। देख 15-20। मैं अकेली हूं, दूसरी कोई मिली नहीं उन्हें। लड़कियां शर्माती है। क्यों बनाते हैं ऐसे औरतों की नंगी पेंटिंग? स्कूल है ना वो? मुझे नहीं मालूम क्यों और किस लिए, पर सिर्फ औरतों की नहीं आदमियों के भी निकालते हैं। और सिर्फ नंगी नहीं, कपड़े पहने लोगों की भी निकालते हैं। और नंगी चित्रों के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बनाकर रखते कहाँ हैं? किसको दिखाते हैं? अरे रखते हैं वो गैलरी में। कहाँ? गैलरी में। गैलरी? इस काम में कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ बंद कमरे में होता है, बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलता। अभी मैं इतने साल से कर रही हूं, पर किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। तू भी ये काम क्यों नहीं करती? ए अक्का, खुद तो लाल शरम बेचकर खा गई है, पागल हो गई क्या? सोच ले बेटा, लाला का खर्चा है, पढ़ाई भी है उसकी। परिवार के लिए जैसे जान दांव पर लगाते हैं ना, वैसे जिस्म लगाना है, वो भी लाला के लिए।
आप में से मॉडल कौन कौन है? सर मैं। अच्छा आप हैं क्या? आप एक काम कीजिए, आप सेकंड ईयर के क्लास में जाके बैठिए विद्यार्थियों वाले, और तुम एक काम करो, तुम फोर्थ ईयर वाले क्लास में बैठो। हाँ सर। हाँ, आप में से न्यूड बैठने के लिए कौन तैयार है? सर ये। आप न्यूड बैठने के लिए तैयार है ना? न्यूड मतलब कौन? ए यमुना। हाँ बोल। अरे इसे इसके बारे में पता नहीं है क्या? नहीं सर वो कर लेगी। तुम एक काम करो, इसे क्लास में भेज दो, ठीक है? इधर आ, इधर आ। डर क्यों रही है? हा? मैं हूं ना तेरे साथ। चल। रेडी सर, रेडी। यमुना आइए। अरे चलो सब अपनी अपनी जगह पे, यहाँ आइए। आपको इस जगह पे बैठना है, पीछे जाके कपड़े बदल लीजिए और उस तरफ देखना है, समझ गए ना? चलो शुरू करो। हाँ सर। Hard.
सुनिए, अगर आपका ब्रेक हो गया हो तो फिर से क्लास में आइए, अगली क्लास शुरू हो गई है। कितनी देर लगेगी? और 3 घंटे, और कल परसों फिर बैठना है। आइए। आज कल परसों के 900 रुपए। अरे वैसी बात नहीं है, आप वहाँ पर मत जाइए। एक कुत्ती ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, वहाँ कोई गया तो वो काट लेती है डायरेक्ट, इसलिए मैंने बताया। जरा संभल के ख्याल रखना।
पानी पानी पानी। यमुना, अभी मुंबई में किसी से भी डरना नहीं है। अगर किसी ने हमारी आवाज दबाई तो अपनी भी आवाज ऊंची करना, और क्या रे ऐसा सवाल करना। रुक, सुन, यहाँ सब आदमी लोग घर बार छोड़ के आए हैं, इसलिए हवस होती है उनकी नजरों में। हर वक्त सारे मर्दों की नजर औरतों के सीने पर होती है। वो लानी है यहाँ पर, इस लाल सिग्नल पर, मतलब स्टॉप। क्या कर तू भी। कुछ खा लेना। सलीम की अम्मी। अम्मा। हाँ। वो इधर कोई स्कूल है क्या? मेरे को मेरे लानिया को डालने का था। अरे वो कुलाबा में है ना, म्युनिसिपैलिटी का स्कूल। वो दसवीं का पैसा कितना होता है? और यहाँ तो वो कपड़ा भी तो लगता है। हाँ, यूनिफॉर्म होता है ना उधर। अच्छा, मैं आती हूँ ना कल तेरे साथ, हम दोनों मिलके जाते हैं। ठीक है, आना कल। सुना कहाँ लगा है काम? उसे टेम्पररी रख लिए। अच्छा। हमारे इधर सफाई के लिए 6 महीनों का काम पक्का है। अभी मेरे साथ ही आंगन साफ करती है। अच्छा, मौसी और भतीजी दोनों को एक साथ रख लिया? तो फिर मुझे भी लगवा दो ना अपने साथ। क्या आपको? आपसे नहीं होगा। क्यों? अब आपको क्या मालूम वहाँ का कारभार? हाँ, और वहाँ पे मेरी वट है। हाँ, मुकदम बदलते हैं, मास्टर आते जाते रहते हैं, पर मैं टिकी हुई हूँ। आपकी तरह नहीं, हर 6 महीने के बाद नौकरी बदल ली। यहाँ से पिछवाड़े पे लात पड़ी तो वहाँ गए, वहाँ पड़ी तो तीसरी जगह गए, कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा हमेशा का है।
आपको उससे क्या हा? रात को एक बोतल धकेल ली, फिर बीवी है बनाने के लिए खाना हा? वो पीने के लिए जितना पैसा खर्चा होता है ना, उतना ही जमा कर ले तो तू मुंबई में खुद का मकान लिया होता। चूसो और चूसो बकरे की नली। बीवी है तब तक कर लो मजा, मेरे मरने के बाद आपको भी हाथ पे झाड़ू लेके मुंबई में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। कितना बोलती है ये औरत, ये औरत पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। सच बोलती है ये औरत। लानिया, मुझे लानिया मत बुलाया कर। अच्छा खासा नाम है मेरा, लक्ष्मण बुलाया कर। हाँ हाँ, लक्ष्मण आया बड़ा सरपंच, पर मेरे लिए तू तो लानिया ही है। मत बोलना लानिया, वरना बात नहीं करूंगा मैं। और अगर फिर से लानिया बोली ना तो बाबूजी बुलाते थे उसी नाम से तुम्हें बुलाऊंगा। क्या डायन? लानिया कथा यमुना थोड़ा अच्छे से पतला करना इस तरह ऐसे। हाँ, ताकि ये स्टैचू अच्छे से बन सके। और ठीक है, इससे स्टैचू अच्छा लगता है। और ये प्राइस के लिए कितना आगे जाएंगे? कुछ दिन के बाद फिर स्क्रैची से आओगे। अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए चाहिए तो पानी का इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए आपको का कैसे करना है अक्का। कमर पे खुजली हो रही है। क्या? कमर पे खुजली हो रही है। ऐसे क्या कर रही है? हाथ से नहीं खुजा सकती क्या? चुप बैठ। यमुना, इस बार बिजली का बिल बहुत आया है। हाँ, लाने को बोल पंखा कम चलाने का। गर्मी कितनी होती है। और कपड़ों के लिए साबुन भी कम इस्तेमाल कर, वैसे भी हमारे कपड़े कौन देखता है। चंद्र भागे आलापुर नावा चालल्या बुडत विठ्ठलाची राणी आली नारळ फोडत आइए अब। सर फिर कब बुलाएंगे? अब दो तीन महीने तो नहीं। क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती कैसी यमुना जी,
दो साल हुए आपको यहाँ पर, फिर भी वही सवाल पूछ रही हैं आप। अरे अब कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो गई है, फिर से शुरू होने के लिए महीना तो लगेगा ही, तो इस खाली वक्त में आप गांव घूम कर आइए। गांव में कोई नहीं है मेरा। ठीक है, अगर कहीं गई तो लौट के आना। आजकल मॉडल्स मिलती नहीं यमुना जी, फोटो देखकर तस्वीर निकालते हैं बच्चे। पर आप दोनों की वजह से हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिला। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कला की आजादी खो रही है। ये बदकिस्मती है हमारी। खैर जाने दीजिए, आइए आप, अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ सर। यमुना आज गैलरी साफ कर दे। हाँ गैलरी में पेंटिंग नहीं है, तस्वीर। काम पर ध्यान दे। माँ मुझे और पैसे चाहिए, मुझे मुझे एक नया कंपोस्ट बॉक्स लेना है। क्यों भला, कंपास नहीं है तेरे पास? नहीं माँ, खाली हो गई कंपास। क्या ये? इसलिए पैसे चाहिए तुझे? इसलिए पैसे चाहिए प्रेशर में, इसलिए पैसे चाहिए तुझे? ये सब करता है तू पैसों का? ये सब करता है पैसों का? अरे रुक, दिन भर मेहनत करके कमाती हूँ, मुझे इसलिए पैसे चाहिए? पागल हो गई तू? लिए खाद बीड़ी तो क्या भी कर गया उसमें, उम्र है उसकी ये, और तू क्या ऐसी बमन की तरह कर रही है? ये देख मरद जात है वो, आज उसके नाखून दिख रहे हैं, कल जब बाहर आएगा ना तब वो ही एक खींच के देगा तुझे। उसके साथ ऐसे मत किया कर, बुढ़ापे में उसके सिवा कौन है तेरा? सिगरेट की वजह से नहीं मारा है मैंने उसे। हाँ तो देखो, बाकी विषयों में नसीब से पास हुआ है, चित्रकला के लिए बख्शिश मिला है। इसी का डर था मुझे, वही हुआ। अक्का मैं अपने बेटे को बहुत सिखाना चाहती हूँ, दुनिया दिखाना चाहती हूँ, फिर उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने वो गांव, वो बाप, वो घर क्यों छोड़ा। अगर वो पढ़ लिख गया ना
तो मेरी नंगी तस्वीरें देखकर भी मेरे पैर छुएगा, क्या जूते से मारेगा मुझे। उसे चित्रकला पसंद है, पहले पहले तस्वीरें निकाले, पर यहाँ तस्वीरें निकालता गया तो एक दिन हम जिस कॉलेज में जाते हैं वहां आकर पहुंचेगा। यमुना, लाना यहां नहीं रहेगा। तेरी पढ़ाई के लिए ही कर रही हूँ ये सब। नहीं मां, मुझे नहीं जाना है। बेटा सुन ना, मेरी बात सुन। नहीं नहीं, मेरी बात सुन ले। छोड़ दो मुझे बेटा, छोड़ दो। लाना मां, छोड़ दो, मेरी बात सुन। लाना छोड़ दो, बोलो ना, नहीं जाना है मुझे। स्वार्थी हो गई हो तुम मां, जलन हो रही है तुम्हें मुझसे। क्यों भेज रही हूँ वहाँ औरंगाबाद? मैं यहाँ रहा तो तुम्हें मजे करने नहीं मिलेंगे ना, बोझ हुआ हूँ ना मैं, ये मेरी खुशी देखे नहीं जा रही। तेरे लिए कर रही हूँ ये सब, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। सुन ना बेटा, अरे देख वहाँ पर स्कूल है, पेंटिंग निकालना है ना, तो कॉलेज भी है। हाँ, मुझे उल्लू मत बनाओ, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं सीखने और काम के लिए, और तुम उल्टा मुझे वहाँ भेज रही हो। तेरी पढ़ाई के लिए रे लान्या। ए अनपढ़ औरत, तुझे क्या मालूम कॉलेज और चित्रकला के बारे में? हाँ, मरने के लिए कुएं में धकेल रही है, और वहीं भेजना था तो लाया ही क्यों? चल, पहले ही जहर देके मार देती ना। खराब बाप की औलाद, माँ को अनपढ़ बोलेगा, माँ को उल्टा बोलता है, ऐसी बात करेगा? चलो निकले यहाँ से, तमाशा चल रहा है क्या इधर? चल नाटक मत कर इधर, चल चल चल, नहीं जाएगा, जाना नहीं है तुझे। ज्यादा नाटक किया ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। चल चल, बोला ना। अरे लाने को क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? मैडम कुछ पूछना था। हमारी क्लास को अगले 4 महीने मॉडल मिलने वाली नहीं है। हम चारों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए हैं, हमें न्यूड पोजिंग चाहिए। आप बाहर एक जगह आ सकती हैं, वो भी अकेले? नहीं नहीं माँ, बाहर नहीं, नहीं। दवाई बनाने और जांचने के लिए जैसे जिस्म की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारी पढ़ाई का भी है। हमारी पढ़ाई के लिए भी जिस्म जरूरी है, और आजकल न्यूड पोजिंग करने के लिए कोई मिलता ही नहीं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अब आप ना कहेंगी तो ये बेचारी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हाँ कर दीजिए ना, बड़ौदा से आए हैं ये सब। अभी इनके कॉलेज में न्यूड मॉडल्स के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए खास आपके लिए मुंबई आए हैं। औरंगाबाद से तो कोई नहीं आया ना? नहीं नहीं, बड़ौदा, बड़ौदा से आए हैं ये लोग, औरंगाबाद से नहीं। यहाँ से 100 रुपए ज्यादा लूंगी। हाँ चलेगा, और सिर्फ लड़के ही नहीं चाहिए, 2 लड़कियां भी साथ। अरे नहीं नहीं, लड़कियां बहुत सारी हैं। हाँ, कोई बात नहीं। और तुम भी हाँ, चलना, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगी। मैं किस लिए? संभालने के लिए, ख्याल रखने के लिए। Thank you.
मेरा बेटा है, इसे भी आप जैसा चित्रकार बनना है। हाँ, ख्याल रखना खुद का। हाँ, और पढ़ाई करना अच्छे से। हाँ। खाना वक्त पे खा लेना। हाँ खाना। हाँ ये ले। क्या? हाँ माँ से बात कर ले। नहीं, नहीं, देर हो रही है मुझे। ले? नहीं बात करनी है। ए? माँ से बात करना। ए? तू भी बात करना उससे। हाँ रुक। ए, यमुना कुछ बोलती है वो। इन दोनों माँ बेटे का पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ। माँ कुछ भी कर, और पैसे लगेंगे। यहाँ पेपर ब्रश सब कुछ महंगा है। इतना सब लेने के बाद मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। जल्दी भेज पैसे। हाँ, यही बोलना था। देर हो रही है। हे, कहाँ निकली छुट्टी के दिन? तो घर के झाड़ू पोछे का काम है, निपटा कर आती हूँ। ठीक है। तेरे खाते में तेरी माँ ने पैसे भर दिए हैं, तो अभी बस करना गधे। हाँ, कितना परेशान करेगा उसको। तेरे वास्ते वो डबल काम करने लगी है, पता है? बड़ी मेहरबानी की, आई बड़ी डबल काम करने वाली। यमुना जी आइए। सुना है आप निजी जगह पर पोजिंग के लिए जाती है। सर वो बच्चे की फीस के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। नहीं नहीं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा चित्रकार है, उसे उसके काम के लिए आपकी तरह एक न्यूड मॉडल की जरूरत थी। आप जाओगी? नहीं सर। क्यों? अनजान लोगों से डर लगता है? आप चिंता मत कीजिए, मेरा स्टूडेंट मैं आपके साथ भेज दूंगा। सर सोच लीजिए। यमुना जी। जयराम। ए आज इसे क्या हो गया? जयराम क्या? सर सर। हाँ हाँ चलो चलो। सामने ये इस हाथ में पकड़ना। हाँ थोड़ा सा ठीक। हाँ
खाती हो? नहीं। नहीं? तो ऐसे खामोश मत बैठी रहो, कुछ बोलो ना, कुछ भी। आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? जो मुझे ठीक लगे। पांव का ख्याल रखना चाहिए इस उम्र में, कहीं चोट लग गई तो? उम्र क्या होगी आपकी? जो तुम्हें ठीक लगे। यहाँ कबूतरों की बहुत आवाज है। हमारे कॉलेज में तो कौवे बहुत है ना? आप हमारे कॉलेज में पढ़े हैं? ना, मैं तो ऐसे ही सीखा हूं यहां वहां से अपने आप। कहां रहते हैं? जहां रहने दें। किसी की याद आ गई। हमारे गांव में ऐसे ही घुंघराले बालों वाला बुड्ढा था, चक्की थी उनकी। पंडुरंगाची कृपा। देखो बेटा, हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान। मुसव्विर इन दोनों से परे जाकर कुछ खोजने की जरूरत करता है। एक सवाल पूछू? नहीं, मतलब आप ऐसी नंगी तस्वीरें क्यों निकालते हैं? मैंने घोड़ों की तस्वीर बनाई तो किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। परिंदों की तस्वीर बनाई, किसी ने नहीं पूछा। कमबख्त इंसान की तस्वीर बनाने पर ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। बेटा, कपड़ा जिस्म पे पहनाया जाता है, रूह पे नहीं। और मैं अपने काम में रूह खोजने की कोशिश करता हूं। समझ में आया? दादाजी पानी दीजिए। नहीं, मैं हूं। अरे अरे, ना रहने दे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अक्का। क्या हुआ? चल। क्या हुआ? इतने पैसे कहाँ से लाए? बुड्ढा बहुत अच्छा था, फिर से मुंबई आने के बाद बुलाएगा बोला। कौन था? मालूम नहीं कौन था, पर कोई बहुत बड़ा चित्रकार था। तुझे क्या हुआ? चल। कुछ नहीं। अक्का।
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ। बड़े नसीब से पास हुआ हूँ। वाह, पास हो गया अपना बच्चा। यहाँ के आर्ट सेक्शन में दाखिल हो गया हूँ। वाह। अब और ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि रंग और दूसरे सामान का खर्च बहुत है। अब और पैसा मांग रहा है ये, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों यमुना, अब क्या करेंगे? ये सब बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, नीचे बहुत गड़बड़ हो गई है। मारो इन्हें, मारो असली चित्रकारों को। इस देश से भगाओ, चित्रकारों को। इस देश से भगाओ, असली चित्रकारों को। असली चित्रकारों को। रुको, चल रही है, चल रही है। चलिए, रुको, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
आज नहीं चलेगा। यमुना, अगर तुम ये काम करोगी तभी ये क्लास चलेगा। अगर तुम डर गई तो समझो कि सब कुछ खत्म। मैं अपना काम करूंगी, इस काम से घर चलता है मेरा, इसी की वजह से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। नहीं मेरे बेटे की और ना इन सब की। कॉलेज अच्छा है ना? खाना पीना ठीक ठाक है ना वहाँ? दो साल ही बाकी है ना? मुझे नई सीखना है पेंटिंग्स निकालना। क्यों रे बाबा, कोई कमी रह गई क्या? किताबें, रंग, तुम मुझे बताते जाना तुझे क्या चाहिए। सब कुछ है, सब कुछ है, पर मन नहीं है मेरा। पैसे चाहिए मुझे, और वो भी जल्दी। यहाँ किसे टाइम है पेंटिंग्स निकाल कर बड़ा आदमी बनने में? मरने के बाद लोग पहचानेंगे तुम्हें। जिंदगी भर कला की सेवा करते सड़ो और गरीबी में मरो, पागलपन है सब। दुबई जाके काम करने की सोच रहा हूँ मैं, वो गल्फ में मजदूरी भी अच्छी मिलती है। सलीम बोला है वैसे, उसका चाचा कुछ झोल कर देगा। मैं भी जाता हूँ, कॉलेज छोड़ देता हूँ, ये चित्रकला वगैरह सब मुझसे नहीं होगा। तेरी पढ़ाई के लिए यहाँ हर दिन मरती हूँ मैं। मरती है या मजे मारती है? मतलब उस सलीम ने देखा तुझे कोई तो बड़ी गाड़ी में जाते हुए। किसके गाड़ी में घूमती है तू बंठन के? हाँ, मैं क्यों गाड़ी में घूमूंगी, वो कोई और होगी। वो कोई और होगी? मुझे बता, कॉलेज में झाड़ू पोंछा करके इतने पैसे कैसे मिलते? लान्या, लान्या नहीं बोलना, लान्या बोलना बंद अब से। सब कुछ समझता है मुझे, छोड़ दो ये गलत काम। झाड़ू पोंछे के नाम पे रईस लोगों के गाड़ी में घूमने वाली माँ नहीं चाहिए मुझे। पैसा ही चाहिए ना तुझे, पैसा ही चाहिए ना तुझे, तो जाता हूँ वहां दुबई में।
कमाऊंगा, बहुत कमाऊंगा और फेंकूंगा तेरे सामने। ए, मुंह बंद कर पहले तेरा। ए, चुप, बीच में मत बोल बुद्धी। तुम लोगों को लगता है मुझे मुझे कुछ समझता नहीं है? तू यहाँ क्या करती है, क्या मुझे समझता नहीं? पागल समझती है मुझे? कौन से लड़के के साथ गुड़ खिला रही थी तू? कहाँ से आया तेरे पास इतना पैसा? तेरे इस धंधे के पैसों से पढ़ाई करने के बजाय मजदूरी करना अच्छा होगा। बाप बोला था ना, वही सच था। रांड हो तुम, रांड। ए लानिया, ये सलीम चले। लानिया, माफ कर दे, माफ कर दे। मैं गलत थी। यमुना दीदी, कौन हो तुम? मैं मीना, यहाँ कोलीबाड़े में रहती हूँ। मैं यहाँ कभी कभी क्लास में पोजिंग के लिए बैठती हूँ। अब बड़ी क्लास के लिए बुलाया है। आप भी यही काम करती हैं, इसलिए आपको ही पूछने आई हूँ मैं। डरना मत बेटी, पढ़ाई का काम है ये। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, वक्त पर पैसे देते हैं ये, बिंदास रहे। आती हूँ मैं। ए मीना, मीना, घबराना मत। हाँ, चलती हूँ मैं। चलिए, आज बस एक आखिरी काम बचा है। आप भी अब प्रोफेसर बन गए हैं, पर अब मैं बाहर का काम नहीं लेती हूँ। बस यहाँ कॉलेज में ही आऊंगी। क्यों? मैं छाता लेके आता हूँ। नहीं, रहने दो। क्या? रहने दो। सात साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ मुंबई, तब चंद्रा अक्का ने मुझे सहारा दिया था, सिखाया कि कैसे जीना है। वो आपके लिए ही पोजिंग करती थी। हाँ, मैं जानता हूँ उनको। कैसे जानते हो? वो आती थी हमारे कॉलेज में,
आना बंद हो गया, पर आपने तो पूछताछ भी नहीं की जिंदा है या मर गई। कल अगर मुझे भी कुछ हो गया तो कौन देखने आने वाला है। कौन है तुम्हारा? कोई भी नहीं, माँ बाप नहीं है, एक बहन है पर उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरा तो एक बेटा है, सोचा था आपके जैसा होशियार होगा, पढ़ेगा, मुझे समझ लेगा, नहीं भी होशियार निकला तो कुछ तो कमा लेगा। पर आप लोगों के साथ रहकर एक बात सीखी, ऐसा क्या है कोई भी कमा सकता है, पर इंसान को नाम और पैसा दोनों मिलकर कमाना चाहिए। इस शहर ने मुझे बहुत अच्छे दिन दिखाए, पर मेरे बेटे की नाराजगी की वजह से वो सारे दिन चले गए। चाय? यमुना, 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 चित्रा। मालिक को आज क्या बोला तू? अरे क्या मालिक, मालिक मालिक हो तो क्या कुछ भी बोल देगा। अच्छा, क्या बोला? आज मौका मिला तो बोल दिया। ठीक किया, ऐसा ही चाहिए, इसीलिए बोला।
बियर लेंगे, हाँ। पिक्चर देखेंगे, हाँ। कल फिर आना ही है 9:30-10 बजे। साला मगज मारी। हाँ चलेगा ना। ए, हाँ। ये देखा क्या? क्या रे? सॉलिड है एकदम टकाटक। चलो देखें क्या? तू ही जा, हम लोग जाते हैं पिक्चर देखने। चल रे, ठीक है। हाँ, चल चल। ए, मेरा भी टिकट निकाल ले। हाँ ठीक है। वेलकम मिसेस अग्रवाल, वेलकम मिसेस गोयनका जी, प्लीज गिव योर ओपिनियन, वेलकम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू नायर, प्लीज हैव अ लुक। बहुत अच्छी है ना? देखो तो इसका पोज बहुत अच्छा है, ये देखो। ये तो बहुत अच्छी अच्छी है ना? हां। नो वेलकम सर, वेलकम मैम। किसने बनाई है? वाह, ये देखो कौन सी है वाली। ये बहुत अच्छा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हां, मुझे एक्सप्रेशन देखना उसके। मॉडल के चेहरे पे कितने नेचुरल एक्सप्रेशन है। नहीं, उस तरह फर्स्ट वाले। देख। अरे ये तो कमाल है यार। अच्छा ये बताइए, इसको बनाने में टाइम कितना लगा होगा? बहुत अच्छी। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ